मेरा नाम पुमन मंसूर है। मैं मेरा बीमारी का बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता है, सच्चाई प्रूफ दिखाना चाहता है आप लोगों को। यीशु अभी भी, यीशु जो है अभी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। वो सच्चाई पवित्र है, वो सच्चाई दुनिया का मालिक है, सच्चाई हम लोग को जीवन देने वाला मालिक है। अभी हम आप लोगों को सच्चाई प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मेरा चेहरा है, ये पूरा देखिए। हम ऐसा बीमार हुआ था 2010 से ले करके 2020 तक, ऐसा बीमार हो करके मैं बिस्तर में लेटते रहा, बिस्तर में सोते रहा सोते रहा। ये देखो मैंने खाया हुआ दवाई, देखो इतना तक दवाई खाया, इतना जे दवाई खाया, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। देखो ऐसा बीमार हुआ था, ऐसा ऐसा मैं ऐसा हुआ था। ये देखिए, ये मेरा चेहरा है, ये देखो ये मेरा चेहरा है, ये देखो मेरा चेहरा है। हम ऐसा बीमार हुआ था। तो ये देखिए, डॉक्टर लोग ने 2019 में एक ठू इंजेक्शन देने का आगे में लिखा हुआ एपोलॉजी लिखी, देखिए इसमें लिखा हुआ है, मरने से भी तुम्हारा डिक्स, जीने से भी तुम्हारा डिक्स, डॉक्टर नाश का डिक्स नहीं है बोल करके लिखा हुआ। ये बोन सेन बीजी देने का आगे में लिखा हुआ है। एक बीजी का राम जो है 1,13,000 करके लिया हुआ बीजी है, ये मारा है, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। 2010 से लेकर के 2019 तक कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ। तो एक दिन हमको पंचायत से एक आदमी गांचुन पंसा ने बोला है, तुम पाप स्वीकार करके ईश्वर को तुम्हारा लाइफ पूरा दे के, तुम्हारा दिन तुम्हारा लाइफ ईश्वर का हार में दे दो, ईश्वर का हार में दे के तुमने पाप स्वीकार करके प्रार्थना करो, उसी दिन से तुम्हारा है चंगाई हो जाएगा, ऐसा कुछ गांचुन पंसा ने बोला है। तो मैंने गांचुन पंसा को बोला करके एक दिन पोंगचाउ चास में अक्टूबर 4 तारीख 2020 में हमने पाप स्वीकार करके प्रार्थना किया, पाप स्वीकार करके वहां में मैं दुआ। तो मेरे को उसी दिन से अलग से हमको जो बदल में जो है चंगाई किया ईश्वर ने, चंगाई दिया। तब से मैं जितना मेडिसिन खाया, जितना दवाई खाया, एक इंजेक्शन का जो 1,13,000 दे करके भी इंजेक्शन भी मारा, कुछ नहीं हुआ। जिस दिन मैं पाप स्वीकार करके ईश्वर का नाम पे मेरा लाइफ मेरा जीवन पूरा इनके चरणों में पूरा दे करके मैंने प्रार्थना किया, तब अभी तक हमको ईश्वर ने बचा के रखा है, ईश्वर ने हमको चंगाई किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता है कि आप लोग हम जैसा तकलीफ होने का आगे में ईश्वर को जानो, हम जैसा तकलीफ होने का आगे में ईश्वर को दिनो। ईश्वर अभी भी जिंदा है, अभी भी सच्चाई पवित्र आत्मा जिंदा है। वही मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जीसस जो है अभी भी जिंदा है, अभी भी सच्चाई पवित्र आत्मा है, अभी भी जिंदा है। इसलिए विश्वास रखो, ईश्वर ने जो कुछ भी है हम लोगों को चंगाई करेगा बोल करके ईश्वर को हमेशा हम लोग विश्वास रखना है। ईश्वर सच्चाई पवित्र आत्मा है, सच्चाई अभी भी जिंदा है। इसलिए ईश्वर को कभी भी नहीं भूलना है। तकलीफ होने का आगे में ईश्वर को ढूंढो, तकलीफ होने का आगे में ईश्वर को जानो। ये हम आप लोगों को यही कहना चाहता है, यही बता रहा हूं। मैंने जो कुछ भी बताया उसमें गलती होने से भी आप लोग भी माफ करा दीजिए और ईश्वर ने भी माफ कर दीजिए।